दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पोको M3 जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है M2010J19CI, इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है, इसकी FRP को, गूगल अकाउंट लॉक को, या फिर लॉक तोड़ने के बाद जो ईमेल आईडी वाला लॉक मांगता है उसको कैसे बाईपास कर सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स, बिना किसी डोंगल के। आपको ईमेल आईडी याद नहीं है, डोंट वरी, बस इस वीडियो को आप पूरा देखना। लेकिन ध्यान रखना, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। यह चैनल या फिर मैं किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपको मॉडल एग्जैक्ट दिख रहा होगा MIUI वर्जन 12 है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा एक ऊपर आइकॉन जो भी लॉक का आइकॉन बना हुआ है, जो कि बताता है कि ये फ़ोन प्रोटेक्टेड है गूगल की सिक्योरिटी के थ्रू। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले इस फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर लें, ठीक है, फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे डोंट कॉपी पे क्लिक कर देना है, इस तरीके का ऑप्शन आएगा कॉपी डेटा, तो आपको सिंपली डोंट कॉपी पे क्लिक कर देना हो। किस पे? डोंट कॉपी पे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम प्रोसेस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम सिंपली डोंट कॉपी पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो इस तरीके का इंटरफेस आता है। या तो आपसे पुराना वाला लॉक मांगता, जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड लगा होगा, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टेड, यूज गूगल अकाउंट इंस्टेड, ठीक है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक अलग तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि होगा ईमेल आईडी वाला, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वेरीफाइंग योर अकाउंट लिखा हुआ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एरर्स तो होता है, और आपको ईमेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो डोंट वरी। तो अब क्या करना वो देखिएगा, ध्यान से प्रोसेस को समझिएगा, सिंपल और आसान तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, वाईफाई आप देख लीजिए, फ़ोन कनेक्टेड ना, इसको फॉरगेट कर देना है आपको, कुल मिलाकर वाईफाई से डिसकनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको फॉरगेट कर दिया आपने, आप कोई भी फ़ोन, आपका फ़ोन जो ये है जिसमें लॉक लगा हुआ है, वो वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब स्किप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, और एक थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पर देखिए, ओनली स्क्रीन लॉक, ठीक है, ओनली स्क्रीन लॉक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा फिर से दिखा दूँ तो आपको आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सेटअप फ़ोन आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना समझिएगा, सेटअप फ़ोन पे क्लिक कर दीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए, एरो पे क्लिक कीजिए, एंड जस्ट यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को चेक करेंगे, एरो पे क्लिक कर देंगे, चेक कर दें, एरो बटन पे फिर से क्लिक कर दें, और इसके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा इस तरीके का, जो कि होगा सेट पासवर्ड का, ठीक है। ओनली स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर देंगे, इसमें से कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे पैटर्न ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैटर्न ही हम डालते हैं, क्योंकि उसकी जगह पे हम इसको बाईपास करेंगे। कैसे हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, एक मैं पैटर्न को ड्रॉ कर लिया, एक सिंपल और आसान, आप भी कोई ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर हो गया। अब एक बार पावर बटन दबाकर आप देख लीजिए कि ये फ़ोन में लॉक लगा है या नहीं, तो देख लीजिए ये वर्किंग है, ये अच्छे से काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, एरो पे जाना है, एरो पे जाना है, और आपको जाना है वाईफाई वाले सेक्शन में। कहाँ? वाईफाई वाले सेक्शन में आपको जाना होगा। तो जब आप वाईफाई वाले सेक्शन में जाते हैं दोस्तों, तो वाईफाई से फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए, अपने फ़ोन को या फिर अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर दीजिएंगे, ठीक है। अब क्या होगा वो समझिए, ठीक है, बहुत ही समझने वाली बात है, थोड़ा सा बैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डोंट कॉपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आप ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो लगा दिया, पहले क्या मांग रहा था और अब, तो इस तरीके से उसकी जगह पे ये बाईपास हो गया, वो लॉक हट गया और ये लग गया, और स्किप का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि हमने वो पैटर्न को वहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। वीडियो हमने आपको अच्छे से समझाया है, बताया, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो, तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो विद इन 15 मिनट में आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं मैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो को
लाइक मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए सब्सक्राइब, लेकिन वीडियो को सही से देखिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।